अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी आपके लिए नाश्ते में एक बहुत अच्छा पराठा है, कोरिएंडर और पोटैटो के साथ। बहुत मज़े का ये पराठा बनता है, एक चेन चीज़ है आपके लिए नाश्ते में। इसके लिए हमें 1.5 कप मैदा और ये इतना हमने लिया है धनिया, सब बस इसमें जाएगा डो के अंदर। ये है बेकिंग पाउडर और ये मीठा सोडा, आधा चम्मच नमक, एक चुटकी इसमें अजवाइन डालेंगे हल्के हाथ से, थोड़ा थोड़ा। नॉर्मल पानी लेना, गरम नहीं, नॉर्मल पानी से गूंद लेना। 2 चम्मच ऑयल, फिर ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा गूंद के थोड़ी रेस्ट देंगे, फिर गूंद देंगे। ये थोड़ा सा ऑयल इसमें जज्ब करके फिर इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। आटे को दोबारा गूंदेंगे थोड़ी देर। अब आलूओं का बैटर रेडी करेंगे। आलू हमने उबाल लिए थे, 2 अदद आलू बारीक काट के, इनको आपने बिल्कुल, मतलब इसमें चंक्स ना रहे, इतना ज़्यादा नरम, आपने पेस्ट बनाना है इसका। और इसमें ये मसाले डाल लें साथ ही, मसाले इसमें कम जाएंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालने। एक सब्ज़ मिर्च डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई। बैटर हमारा रेडी है। इस साइज के हम बराबर के पेड़े बनाएंगे। इसकी हम रोटी पतली सी बेलेंगे, बिल्कुल पतली। एक पराठा हम आपको बना के दिखाते हैं। अब इसके सेंटर में हम रखेंगे ये बैटर, इस तरह फैला के। ठीक है, इसके ऊपर इस टाइम में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको इसके ऊपर। ये हमारा पराठा रेडी हो गया। इसको अब हम हाथों से इस तरह बेल के, ये मतलब इतना मोटा ही रहेगा, पतला नहीं होगा। इसकी तह इसलिए बारीक कर ली थी कि इसको अब बस हाथ से करेंगे और इस साइज़ का ये रेडी होगा। इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अगर आपको इसकी शेप ख़राब लगे तो इस पर सेट कर लेंगे। हल्की आंच पे इसको बनाएंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया। अभी साइड पे ऑयल जाएगा। बहुत मज़े का ये पराठा रेडी होता है। ये देखिए जी, हमारा पराठा कितना अच्छा रेडी हुआ है, मज़ेदार खस्ता आलू का पराठा। लेयर्स देखें इसे। ये हमारा दूसरा पराठा। पराठे हमारे बहुत अच्छे रेडी हुए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई और अच्छी रेसिपी लेके आएंगे। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।